आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और हम लोग ने नहा लिया है, मैंने नहा लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं छठ का प्रसाद बनाने। सो देख सकते अभी कितना अंधेरा है, तो अब हम जा रहे हैं लोग प्रसाद बनाने, तैयारी कर रही हैं मम्मी। और आज सांझ घाट भी जाना है, तो नहीं दिखाते हैं हम लोग प्रसाद कैसे बनाते हैं और क्या क्या बनता है। तो यहाँ पे मम्मी तैयारी कर रही हैं और ये मीठा और आटे का ठेकुआ बनता है, उसी का आटा लगा रही हैं। और आटा लगने के बाद देख सकते हैं हमारे ठेकुए कितने फूले फूले से हो रहे हैं। और ये मतलब जो होता है मिट्टी के चूल्हे पर ही बनता है, हमारे यहाँ प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पे बनता है और आम की लकड़ी से प्रसाद बनता है, जो कि पवित्र और शुद्ध माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। और ये छठ महापर्व पवित्र पवित्रता का ही ये पर्व है। हाँ, तो ये हमारा ठेकुआ रेडी हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। मतलब छठ पर्व हो और ठेकुआ खजूर ये ना बने, और ये अब हमारा खजूर बन रहा है। मतलब छठ पर्व हो और खजूर ठेकुआ ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और ख़ास इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और अच्छा भी लगता है छठ में। और ये हम लोग सुबह सुबह भोर में बना रहे थे जग के, लगभग हम लोग रेडी होते 5 बज गया था और सब कुछ करते, और सुबह 7-8 तक बना था, क्योंकि कुछ बांटे जाते हैं प्रसाद, तो वो बांटने के लिए भी थोड़ा ज़्यादा बनता है और चढ़ाने के लिए। और हम लोग यहाँ पे हंसी मजाक करते हुए बना रहे थे, दीदी हमारी शूट कर रही थी वीडियो और वही कुछ कुछ बोल रही थी, हंसा रही थी। ये हम लोग खजूर बनाने के लिए उसके पेड़े बना रहे थे। और बहुत ही अच्छा लगता है कोई भी फेस्टिवल हो, पूरा परिवार एक साथ हो और उसे अच्छे से सेलिब्रेट करे तो अच्छा लगता है। मीन्स फेस्टिवल की खुशी दोगुनी हो जाती है, जो कि हमारे परिवार के साथ ही कोई भी फेस्टिवल हो अगर हम अपने परिवार के साथ बना रहे हैं तो वो उसकी बात ही अलग है। और छठ पर्व भी ऐसा है कि मतलब आप कहीं भी रहें, गांव पे जहाँ छठ पूजा होगा वहाँ आना ही है। ये त्यौहार ही ऐसा है कि आप खुद को रोक नहीं पाओगे। हमारा पूजा छठ घाट जाने के लिए डाला तैयार हो चुका है। और अब हमारा टाइम हो गया सांझ घाट निकलने का, अब हम लोग घाट पर जा रहे हैं। और ये मम्मी हैं और बड़ी माँ हैं ये, और ये लोग हैं हमारे लोग बच्चे लोग हैं जो कि काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। छठ पर्व का उत्साह ही एक अलग होता है। मैं सांझ घाट में नहीं गई थी, रास्ते भी पे भी सारा डेकोरेशन पूरा हो गया है, साफ सफाई भी बिल्कुल बढ़िया है। घाट पर पहुंच गए हैं, ये हमारे गांव का ही घाट है, इसमें भी हमारे बस गांव के लोग आते हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं। और अभी यहाँ शाम का अर्घ दिया जा रहा है और यहाँ लेडीज लोग छठ का गीत भी गा रहे हैं। छठ पर में छठ का गीत नहीं हो, ये सबसे रौनक होता है छठ के घाट जाना, पाठ ठेकुआ बनाना, खजूर बनाना ये सब। और आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे मम्मी अर्घ दे रही हैं शाम का। ये यहाँ पे जो घाट है हमारे गांव में वो
थोड़ा सा जो सीढ़ी बना हुआ है वो टूट गया था, जिसके वजह से दूसरे साइड मिट्टी का ही वो कुछ करके उसके बाद उसको बनाया गया था घाट टाइप से। आई थिंक शायद बाढ़ की वजह से टूटा था। इस बार बहुत ज़्यादा बारिश भी हुआ है। और अभी हम लोग यहाँ पे सूर्यास्त तक रुकेंगे घाट पर, फिर सूर्यास्त होने के बाद फिर हम लोग दौरा लेकर फिर वापस जाएंगे। फिर उसके बाद फिर जिसके यहाँ कोसी होता है वो कोसी जाएंगे, बट इस बार हमारे यहाँ कोसी नहीं है। और यहाँ पे मम्मी साड़ी चढ़ा रही हैं। छठ बिहार का महापर्व कहते हैं इसको, और ये लोक आस्था का पर्व है। यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं, बोल रहे हैं। उसके बाद इस बार हमारे यहाँ कोसी नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ ससुराल में कहते हैं कि अगर मन्नत होता है, कोई मन्नत रहता है तब, अगर वो पूरा होता है तब कोसी भरते हैं। और हमारे यहाँ सिवान में कोसी था तो मायके में, उसका मैं थोड़ा सा क्लिप ऐड करूँगी लास्ट में, आप लोग देखिएगा। तो उस लास्ट तक देखिए पूरे वीडियो को और इन्जॉय करिए छठ का गीत यहाँ पे जो हो रहा है, और लेडीज़ लोग जो गीत गा रही हैं। अब सूर्यास्त हो चुका है और सब लोग घर जाने के लिए अपना सामान रख रहे हैं, सब जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। और इसके बाद जिसके यहाँ कोसी होता है वो जाके फिर कोसी भरते हैं। कोसी ईंख का होता है, अगर हम 12 ईंख का भरते हैं या 24 ईंख का भरते हैं, कितने लोग 7-5 ईंख का भी भरते हैं, बट हमारे यहाँ 12-24 हमने देखा है। तो 12 अगर ईक है तो 12 कोसी होंगे, दिए होंगे, पूरी ठेकुआ जो भी होता है वो दिया सब कुछ 12-12 ही होता है। और यहाँ हमारे चंपारण साइड में मोतिहारी में एक मैंने नया देखा, जो हमारे यहाँ मतलब सिवान में नहीं होता है, हाथी रखते हैं बीच में कोसी के टाइम में। तो ये हमारे सिवान का है, यहाँ पे मम्मी कोसी भर रही है। यही पे इन्होंने हम लोग के यहाँ छठ घाट बना था। ये हमारे द्वार पे शिव जी का मंदिर है और यहाँ पे छठ मैया का शिव सोखता बना था, और ये हमारे जो अंकल लोग हैं बड़े पापा, उन लोग का यहाँ पे कोसी भरा रहा था। मीन्स 4 कोसी था यहाँ पे हमारे यहाँ, तो सब लोग इकट्ठे यहीं पे पूजा किए, यहीं पे कोसी भी भराया। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा से यहाँ पे लोगों ने डेकोरेट करवाया हुआ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। खासकर अगर कोसी रहता है छठ में तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को,
ज़रूर कमेंट करके बताएं, लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड फैमिली में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो सुबह का अर्घ है वो इसके नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, तो आप लोग देखें, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें और साथ बने रहें, शुरू से लेके लास्ट तक वीडियोस देखें। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हम जो भी नए वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट ज़रूर करें, कमेंट नहीं करते हैं आप लोग। और हाँ, बहुत ऐसे लोग हैं जो बस वीडियोस देख लेते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसमें पैसा नहीं लगता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ये एकदम से फ्री है, बिल्कुल फ्री है। शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो देख, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।